यशोमति मैया के नंदलाला। किससे बातें कर रहा था तू कान्हा? कौन थी वो? हमें तो लगता है अवश्य किसी भूत प्रेत या पिशाच ने करो है ये सब। यशोदा, मैं सच्ची कह रही हूँ जी, कछु तो गड़बड़ है वृंदावन में। अभी यहाँ पानी का लोटा रखा था, अचानक से लुप्त होगा। पर मिठाइयाँ भी तो रखी थी। ठीक, किसी ने कछु ना लिया है, पर मैं कह रही हूं कछु तो गड़बड़ है यहाँ। यशोदा, अधिक चिंता दुख का कारण होती है, जितना सोचोगी उतनी ही घबराहट बढ़ेगी। सही सोच रही हूँ मैं, आपको तो विश्वास ही ना है मुझ पर। पर मैंने मैंने वन में किसी को देखा था। हाँ ना, ठीक, मैं कह दे रही हूँ जी, मैं अपने लल्ला को वन के निकट भी ना भटकने दूंगी। कान्हा ने अच्छा नहीं किया माँ, सबके सामने चूतर ठहरा दिया मुझे। बलराम, छोटी छोटी बातें हृदय से नहीं लगाते पुत्र, छोटा भाई है वो तुम्हारा, है ना? आप कुछ भी कहिए माँ, पर अब मैं कान्हा की किसी भी बात के जाल में नहीं फंसूंगा। उसकी कोई भूल नहीं छुपाऊंगा, उसके हर कार्य पे दृष्टि रखूंगा मैं, और छोटी माँ को सारी सूचना भी दूंगा। लो कर लो बात, अब मैया को संभालूंगा, यादव को। मैं खोलता हूँ मैया। नारायण नारायण बड़ी माँ। नारायण नारायण, आओ। छोटी माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या होगा बलराम? इसका अर्थ है कि दाऊ कल की बात अब तक नहीं भूले, इससे पहले कि ये मेरा वन जाना और भी कठिन बना दे, इन्हें रोकना होगा। छोटी माँ, मैं ये कह रहा था कि दाऊ आपके लिए आसन। छोटी माँ, कल ना लो दाऊ जल। क्या कर रहा है कान्हा? अपनी दाऊ की सेवा। यशोदा, दोनों भाइयों में थोड़ी अनबन हुई है, अब इसे सुलझाना तो इन दोनों को ही पड़ेगा। चलो हम चलते हैं। हाँ हाँ, चलो जी। छोटी माँ, ताऊ ये मिठाई खा के देखो, आपके लिए बचा के रखी थी मैंने। चाटुकारी तो नहीं चलेगी खाना। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ दाऊ, ये तो मेरे दाऊ के लिए प्रेम और सम्मान है। बड़ा प्रेम और सम्मान उमड़ रहा है आज, कल का था ये
जब सबके सामने मुझे झूठा बना दिया था। आप सब ये आवाज सुन रहे हैं? ये घुंघरू की आवाज गैयाओं को संभालने, उन्हें पंक्ति में रखने और उन्हें आगे बढ़ाने में सहायता करेगा। और ये लाठी आपको पैदल चलने में सहायता करेगी। और यदि कोई वन्य पशु गैयाओं के निकट आ जाएगा, तो ये नुकीला भाग आप देख रहे हैं, ये उन्हें दूर भगाने में आपकी सहायता करेगा। आप सब लोग तैयार हैं? हाँ नंदराज, हम सब तैयार हैं। शुभकामनाएं। बोला बंसी। कितने दुख की बात है ना भैया, कि गौचारण के लिए केवल इतने से ही नौजवान तैयार हुए। जो व्यापार करके तनिक धनवान हो गए हैं ना, उनके बालक समझते हैं कि गौचारण उनके लिए सही काम ना है, उनके लिए बड़ा ही तुच्छ कार्य है। ये तो बहुत अच्छी है छोटे बाबा, मैं इसके साथ खेल लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये ले। देखिए मैं भी गोपालक बन गया। नाना दाऊ, गोपालक तो मुझे बनना है। पापा मुझे भी ऐसा डंडा दो ना। लल्ला, ऐसी छड़ी तो समाप्त हो गई, जब नई बनकर आएगी ना तब दूंगा तुझे, तब तक तू अपने दाऊ के साथ खेल, ठीक है? चले भैया। दाऊ, ये गोपालकों का डंडा तनिक मुझे भी तो दिखाओ एक बार। करके देखूं कि मैं गोपालक बन सकता हूं कि ना। तुम गोपालक बनोगे? तुम्हें तो बन जाने की भी आज्ञा नहीं है। पर आप हो ना मेरे साथ, आप मैया को बनाने में और बन जाने की आज्ञा दिलाने में मेरी सहायता करोगे, करोगे ना दाऊ? मैं और तुम्हारी सहायता कभी नहीं। अभी तक क्रोधित हो? अच्छा ठीक है, मैं क्षमा मांगता हूँ। फिर से इधर दिखाई भी मती देना, नहीं तो इसी झाड़ू से तुम्हारी पिटाई करूंगी। दुष्ट उद्दंड बालक। उनकी तो लतार सुन के ही प्राण सुचाते हुए काना। अरे हमसे तो करे तो करे, वो तो अपने भगवान से भी डांट डपट के बात करती हैं। किसी ने मना करी है? कोई पहरो लगो है? आपको आना है तो आ जाओ, जितनी इच्छा है खा लो आप, पर इन दुष्ट उदंडी बालकों को मत ही भेजा करो, ये बिना पूछे मेरे चने खा लेते हैं। क्या उनकी मैया सींचती है मेरे पौधों को, या उनके बाबा बीज बो के गए हैं? मैं अपने रक्त स्वेद से सींचती हूँ इन पौधों को, ताकि आपको इनका प्रसाद चढ़ा सकूं। देखो श्री नारायण, अब मैं जाप करने बैठ रही हूँ, जब तक मेरी अस्थियों में तनिक भी बल है, मेरी भक्ति और मेरे प्रसाद का आनंद ले लो, जितना आनंद ले सकते हो आप। बरसों से मेरा चढ़ाया हुआ प्रसाद आप खा रहे हो ना, आनंद तो खूब आया होगा। पर फिर भी प्रभु, आप दर्शन देने क्यों नहीं आए? क्यों श्री नारायण? इस बुढ़िया के द्वारा आ जाओगे तो क्या आपके चरण घिस जाएंगे? वरना आपको तो इस बुढ़िया को सताना है। मैंने तो ये भी सुना है, वो बुढ़िया माई हर समय अपने घर के द्वार पे ही बैठी रहती है। उसका कारण है ना बसंता, उसको विश्वास है
कि भगवान श्री नारायण आएंगे और साक्षात उसके चने खाकर जाएंगे। अब तो जाना ही होगा। भूल के भी उस बोली माई के निकट मत ही जाना, क्योंकि श्री नारायण की अतीत पुयो से फूटी आंखना स्वातो है, समझे? घूर क्या रही हो? हाँ, चलो भागो यहाँ से। घूर तो ऐसी रही हो जैसे पहले कभी किसी बुढ़िया को अपने भगवान की प्रतीक्षा करते हुए कभी देखा ना हो। ओ बुढ़िया, रहने दो सुलक्षणा, नारायण की आस में इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। चलो आओ। नारायण की आस में इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। सुन लिया प्रभु, मैं आपकी भक्त हूँ, लोग मुझे विक्षिप्त और बावली समझते हैं। कम से कम एक बार बावली समझ कर ही मुझे अपने दर्शन दे दो प्रभु। कम से कम एक बार बावली समझ कर ही मुझे अपने दर्शन दे दो प्रभु। काना कहाँ जा रहे? किसी ने बुलाया क्या तुम्हें? मैया बुला रही है दाऊ। पर छोटी माँ तो घर के भीतर है। बस बहुत होगा खेल, अब सब खाने के लिए आ जाओ। नारायण 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 नारायण। क्या सोच रहे है? आना। और सुनो, किसी ने एक तृण भी थाली में अन्न का छोड़ा ना तो देख लो फिर सबको तीखी मिर्ची खिलाऊंगी। आप आ क्यों नहीं रहे हैं? इतने स्वादिष्ट है मेरे चने, दूर दूर से बालक आते हैं इन्हें खाने दौड़े दौड़े। बस एक आपको ही समस्या है यहाँ आने में। लल्ला आराम कर। अभी पेट भर के खा लिया तो बूढ़ी मैया के हरे चने कैसे खा पाऊंगा मैं? तुम लोग खाओ, मैं तुम सबके लिए छाछ लेके आती हूँ। हमारा हलवा समाप्त होने वाला है और तुमने अभी आराम भी नहीं किया काना। चिंता मत करो दाऊ, आप अगला दिवाला खाओगे उसके पहले ही मैं पूरा का पूरा समाप्त कर दूंगा। अरे वाह, तुम सब ने तो अपना हलवा समाप्त कर लियो। चलो आ जाओ, अब छाछ लो। अरे अरे अरे, भीड़ मत लगाओ, सबको मिलेगा। खाना खा जाओ। बलराम, तेरा भाई कान्हा कहाँ है? अभी तो यही था मैया, सबसे पहले अपना भोजन समाप्त किया था उसने। हाथ धोने बाहर गया होगा। कान्हा, कहाँ चला गया? कान्हा, वो रहा कान्हा। कान्हा रोक, हाँ वाला उपाय भी असफल रहो। जीजी यशोदा, मैया ये तो हाउ की सुनी है। मैया ने सच्ची कही थी, मन में बहुत सारे हाउ है। आपकी लीला आप ही समझ सकते हैं प्रभु, जो अंतर्यामी है, सर्वज्ञानी है,
वो अपनी मैया के काल्पनिक हाउस से भयभीत हो रहे हैं। मुझे मैया की बात माननी चाहिए थी, क्या तो आगू मैं, पर वन में और भी तनाव जानो चाहिए मुझे। हे नारायण, तनिक भी दया ना आती आपको? क्यों इतने कठोर, इतने निष्ठुर हो गए हो आप? अब दे दो ना दर्शन इस बुढ़िया को। अब आ भी जाओ प्रभु, मरने से पहले एक बार इस बुढ़िया को अपना मुख दिखा दो प्रभु, कृपा कर दो, कृपा कर दो, अपना मुख दिखा दो प्रभु, कृपा कर दो, कृपा कर दो। यशोदा, क्या हो गो? कान्हा फिर से वन की ओर भाग गए। पर तुम्हें तो पूरा विश्वास था ना कि वो बन ना जाए। देखो जी, ताना बाद में दे लेना, अभी साथ चल के ढूंढो उसको। कान्हा, वैसे मुझे पता नहीं था मैया कि मेरा स्वागत आप झाड़ू से करेंगी। नहीं नहीं प्रभु, नहीं। श्री नारायण, क्या ये सत्य है? आप सच में यहाँ हैं? और ये मत ही कहना कि मैं स्वप्न देख रही हूँ। लो, मैंने तो चने समाप्त भी कर दिए और आपको अब तक विश्वास ना हुआ। इसका अर्थ है कि आप सच्ची में आप ही हो। प्रभु, मेरा मन कर रहा है कि बहुत तीव्र स्वर में चिल्लाऊं, जो मुझे विक्षिप्त और बावली बुलाते हैं उनको मुझे कहना है कि मैं बावली ना हूँ। देखो देखो, मेरे भगवान आ गए, मेरे भगवान आ गए, मेरे श्री नारायण आ गए, मेरे घर बैठे हैं। देखो, मैं बावली ना हूँ, मैं बावली ना हूँ। मेरे प्रभु श्री नारायण मेरे घर बैठे हैं, मेरे साथ हैं। कान्हा, कान्हा, देखो वो यही है मेरे साथ, मेरे घर में, मेरे साथ है मेरे प्रभु, मैं बावली ना हूँ। ये तो वन में रहने वाली बूढ़ी माई का स्वर है। कहीं कान्हा उन्हीं के साथ तो ना है? बूढ़ी मैया, चने तो समाप्त हो गए। लाइफ प्रभु, अभी लाइफ। चलो उड़ो उड़ो, हटो हटो, मेरे प्रभु का है। रुकिए, और वो चिड़िया मेरी है और मैं सबका हूँ। जो भी पंछियों को, भटकते पशुओं को, बालकों को, निर्धनों को दिया जाता है वो मुझे ही तो मिलता है मैया, क्योंकि मैं सब में हूँ और सब मुझ में। क्षमा करना प्रभु, स्वार्थी हो गई थी मैं। सचमुच आपकी भक्ति अनोखी है, आपने स्वार्थ भी दिखायो तो अपने लिए ना, मेरे लिए। पर बूढ़ी मैया, दूसरे के साथ बांटने में ही तो सच्ची में तो प्रसन्न होता हूँ मैं। समझ गई प्रभु, मैं समझ गई।
भूखी है ना तू, तू भी ले ले, ले ले। आओ मैया यहाँ बैठो। पर एक बात बताओ प्रभु, आपने इस बुढ़िया को इतनी प्रतीक्षा क्यों करवाई? मैंने प्रतीक्षा ना करवाई, मेरी मैया को ना जानते आप, मुझसे बहुत प्रेम करती है वो। मेरी सुरक्षा के चिंता के कारण कहीं आने जाने नहीं देती है मुझे। आज भी बिना बताए आयो है जे यहाँ, मेरे मना करने के बाद भी। मैया का स्वर ये क्या सुनाई दे रहा है मुझे? क्योंकि तेरी मैया स्वयं खड़ी है यहाँ। देखो बूढ़ी मैया, मेरे बाबा और मैया लेने आए हैं मुझे। तुझे कितना भी समझा लो, कितना भी भयभीत कर लो, तो सुनने वालों ना है, हैं? मेरी प्रभु के साथ ऐसो व्यवहार जो अनुचित है लल्ला, ऐसे बिना बताए तुझे ना आना चाहिए था। तुम सब ऐसे डांट क्यों रहे हो इन्हें? मैंने बुलाया था इन्हें। देखो मैया बाबा, इन्होंने ही बुलाया था मुझे। अब आप ही बताओ, यदि मैं यहाँ ना आतो तो इनका मन कितना दुखी हो जातो। बहाने मती बना कान्हा, आज के पहले तू इन बूढ़ी माई को जानता भी ना था। अरे लाली, मैं तो इन्हें 40-50 वर्षों से बुला रही हूँ, पर आज आए हैं ये। 40-50 वर्ष? माई, मेरा लल्ला केवल 4 वर्ष का है। तू भी विचित्र है लाली, जिनका ना कोई आदि है ना अंत, उनकी आयु गिन रही है। आप कहना क्या चाहती हो माई? यशोदा, एक तो ये बूढ़ी है और दूसरा इनके बारे में पता चलो है कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक ना है, या हमारे कान्हा को कोई और समझ रहे। कान्हा, अब चल। चल तो हूँ मैया। प्रभु, अभी अभी तो आए थे, इतने शीघ्र छोड़ के जा रहे हो। सच में चाहती हैं कि मुझसे दोबारा बिछड़ना ना पड़े, तो आप काशी जाओ माई, वहाँ मणिकर्णिका घाट पर अपनी तपस्या पूर्ण करो। जब उचित समय आएगा तो मैं स्वयं आपको अपने आप में लीन कर लूंगा। और हाँ, आपके यहाँ जाने के बाद भी आपके खेत की देखभाल होती रहेगी। इसे गहवर वन के नाम से जाना जाएगा। आई हूँ यहाँ? मैं बताऊँ मैया, ये सारी की सारी मुझे पढ़ते हुए देखने आई है। पर तुम्हें किसने बताया कि
भाभी वो मैं रहने दो, कोई आवश्यकता ना है। मैं समझ गई जो किसकी करनी है। क्षमा करना भाभी, वर्णमाला के वर्णों से संबंधित सभी वस्तुएं तो ना ला पाई, पर इन सब को तो ले आई। अब इन्हें साथ लो और जा, जा। यशोदा हमें भी तो देखने दो, तुम काना को कैसे पढ़ाती हो। हाँ, और जब हम आपको समझाते देखेंगे तभी तो अपने लल्ला को पढ़ा पाएंगे। हाँ भाभी, मान जाऊँ ना। मैया आप तो जानती हो इस सारी खुफिया मुझसे कितना प्रेम करती है, और मुझे भी बहुत प्रिय है ये। गोपियां भी प्रिय हैं इसे। तो कहना क्या चाहते है? इन सबको यही रहने दो ना मैया, इनकी ओर से मैं वचन देता हूँ कि अब कोई व्यवधान नहीं डालेंगी। ना डालोगी ना? हाँ नहीं डालेंगी। सबके सामने कैसे पढ़ाऊंगी? हाँ, यदि आपको अपने ऊपर विश्वास ना है कि आप हम सबके सामने पढ़ा पाओगी या ना, तो ये बात और है। हाँ, क्यों ना पढ़ा पाऊंगी? अब तुम सब बैठो, देखो और सीखो कि अपने लल्ला को कैसे पढ़ाते हैं। हाँ नहीं तो बैठ जा लल्ला। ठहरो मैया, मेरा अर्थ है गुरु माता। आप बैठो यहाँ। गुरु का स्थान तो ऊंचा होता है ना? अरे वाह, ये तो बड़ो चतुर हो गए है। लल्ला, अब इससे पहले कि हम आरंभ करें हमें बुद्धि दाता श्री गणेश जी को स्मरण करना चाहिए। ओम गणेश नमः। बस यही लीलाएं देखने के लिए तो मैं वृंदावन में बसा हूँ कान्हा। अब वर्णमाला आरंभ करने से पहले हमें विद्या की देवी मैया सरस्वती की प्रार्थना करनी चाहिए। जय हो मैया सरस्वती की, जय हो। जय हो। कैसी लीला है प्रभु, भविष्य में जो संपूर्ण संसार को गीता के ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले उन ज्ञान स्वरूप पूर्ण अवतार श्री कृष्ण को मैया यशोदा पाठ पढ़ाना चाहती हैं। जी ना लल्ला, मैया सरस्वती का मंत्र बोल। पर मैया अभी तो मुझे विद्या मिली ना है, जब मिल जाएगी तो मंत्र बोल दूंगा मैं। फिर से आरंभ होगा तेरा नटखटपना। चल लल्ला, मैया सरस्वती का मंत्र बोल के उनकी वंदना आरंभ कर। पर मैया मुझे ठीक से स्मरण ना है, कछु गड़बड़ हो गई तो? अच्छा ठीक है, मेरे साथ बोल। ओम महासरस्वत्ये नमः। जो इस मंत्र का आधार है, आज इन्होंने इसका उच्चारण करके इसको और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया है। मैं आशीर्वाद देती हूँ, यदि कोई
मेरे इस मंत्र का उच्चारण करने के स्थान पर हरे कृष्ण पुकारेगा तो उसे भी इसी मंत्र के समान फल मिलेगा। अब आरंभ करते हैं लल्ला। जे वर्णमाला है लल्ला, पढ़ने लिखने और विद्या का आधार। इसके दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। पहले हम स्वर से आरंभ करेंगे। अ आ आ ई ई उ उ री ए आई ओ ओ हम आह। तुझे कैसे पता? आप ही नहीं तो सिखाया है मैया। मैंने कब? कल रात से सिखा रही हो आप, रात को सोने से पहले। आप यही तो बोल रही थी, सुबह उठते ही फिर से डर आने लगी। और तो और चांद कराने समय भी आपके मुंह पे यही था। इतनी तीव्र बोल रही थी क्या मैं? पर अपने आप इतना ही सीख पाई हूँ मैं। इसके बाद का ना तो मैया। तो क्या होगा, मैं हूँ ना, मैं सिखाती हूँ। अब बारी है व्यंजन की। क से कबूतर। करेला। क से कबूतर। ख से खरगोश। खरगोश। ग से गैया। अरे मैं तो भूल ही गयो, मैया को गौपालक बनने के लिए मनाना था। ऐसे पढ़ाई करते रह गया तो ताऊ तो गौपालक बन भी जाएंगे। बलराम, इस तरह गैयाओं और बछड़ों को नहलाया जाता है, समझ गो? और भोजन छोटे बाबा, वो कैसे खिलाते हैं? पर भैया, जे बछड़ा अनगुत पाती लग रहो है, कहीं भूल से इसकी दुलत्ती काना को लग गई तो? चिंता मत करो मैया, ये भी उत्पाती है तो मैं भी नट खटू। पाप करने वाले को संभालना आतो है मुझे। लला, संभाल के। क्या हो गुरु, इतना क्यों चल रहा था? सुबह से ही चार बार प्रयास कर चुका हूँ पाना, पर एक स्थान पर टिकता ही नहीं। जी जाके कान में का कह रहे हो? चाहे जो कह रहे हो पर प्रभाव तो पड़ रहा है भाभी। काना, ये कैसे किया तूने? ये तो चमत्कार हो गया। आना बता ना, इसे कैसे संभाला तुमने? बताया तो था दाऊ, पहले मित्रता करनी होती है, संबंध बना के पास जीतना होता है। और तूने उसके कान में जाके क्या कही थी? यही कि इसे खूंटे से दंड देने के लिए ना बांधो, बल्कि फेम इसकी सुरक्षा के लिए बांधा गयो, ताकि इधर उधर भाग के भटक ना जाए। और जी मान भी गो? इतने से भी ना मानो। ओ? मैंने ये भी कही थी कि इसे मन भर के दूध भी पिलाऊंगा।
और जो बेसन के लड्डू मेरे लिए मैया बनाएगी वो भी खिलाऊंगा। ताऊ जी अब तो आपकी परीक्षा में मैं सफल होगू? हाँ हाँ काना, 100% बहुत अच्छे। बाबा बाबा आपको क्या लगता है मैं परीक्षा में सफल होगा ना? तो मैं गैयाओं को वन ले जा सकता हूँ ना? ना काना, इतनी शीघ्र ना, अभी तेरी अंतिम परीक्षा बाकी है। तू गौपालक क्यों बनना चाहता है? इसीलिए कि तू वन में बिना किसी रोक टोक के जा सके और अपने सखाओं के साथ वन में क्रीड़ा कर सके। ना बाबा, मैं वन तो चुपके से भी जा सकता हूँ। अच्छा, सच्चा कारण तो ये है बाबा, ये सब भैयाएं भोली भाली है, इन्हें हमारे प्रेम की आवश्यकता है और गौ सेवा करना बहुत बड़ा धर्म होता है, आप ही ने तो सिखाया है। स्वयं भगवान की पूजा करने की बराबर होता है गौ सेवा करना। गैया और बछड़ों के बीच रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लो आप इन सब ने भी मान लियो कि मैं इन सबको ही अधिक प्रेम करता हूँ। गायों और बछड़ों को सबसे अधिक प्रेम करता है ये? सबसे अधिक ना मैया ना। अरे मेरी मैया मेरे कहने का अर्थ है सबसे अधिक प्रेम मेरी मैया से करता हूँ, फिर गौ मैया से करता हूँ। मैया आपका स्थान कोई ले सकते है क्या? आप तो मेरी प्रिय हो। कभी इसको लड्डू प्रिय लगते हैं, कभी गोपियाँ, कभी गैया बछड़े, तो कभी अपनी मैया। अब महाराज कंस को क्या सूचना दूंगा मैं? हाँ बोलो मुखपति, ऐसा क्या है जिसे वो सबसे अधिक प्रेम करता है? बोलो। माँ महाराज, माँ गोपालक काना की जय। गोपालक काना की जय। गोपालक राजकुमार कृष्ण की जय। गोपालक यशोमती मैया के नंदलाला की जय। तो सबसे अधिक प्रेम उसे अपनी माँ से है। माँ उत्तम, अति उत्तम। सुना दुर्जन तुमने, कितनी कितनी गुप्त सूचना लाया है ये गुप्तचर। वाह, अरे तालियां बजाओ इनके लिए, अभिनंदन करो इनका। अरे मूर्ख, हर बालक को अपनी माता से सबसे अधिक प्रेम होता है। मुझे कुछ ऐसी सूचना चाहिए थी जिसका प्रयोग मैं उसके विरुद्ध कर सकूं। कुछ ऐसा जानना था जिसे उसे प्रेम हो, जिसके आकर्षण में वो खिंचा चला है और मेरे जाल में फंस जाए। कुछ कुछ ऐसा पता करना चाहता था जिसे वो देखते ही अपने हृदय से लगाने को आतुर हो उठे और इतना निकट आ जाए कि पीछे हटना असंभव हो, और तब उसे ये पता चले कि जिसे उसने हृदय से लगाया है वो उसकी मृत्यु है। और तू लाया है अपनी मूर्खता का साक्ष्य, अपनी मृत्यु की शिलालेख। बछड़ा बछड़ा,
उसे गाय और बछड़े बहुत प्रिय हैं। और बोल इतनी ये हुई ना बात, ये रोचक जानकारी है, बोल। जब मैं वहां से चला तो कृष्ण को उसके पहले गौचरण के लिए वृंदावन के वन में भेजने की तैयारी चल रही थी महाराज। और बोल और तूने क्या देखा? क्या देखा? ताले लगाया उसने? हाँ या ना? वाह वाह मुखपति वाह, यही सूचना तो चाहिए थी मुझे। अब देख कैसे मैं उस कृष्ण के पहले गौचारण को विशेष बनाता हूं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.